बहुत। टाइम हो गया यार। अरे ओके सर, लेकिन हम भी 4 बज गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अभी उज्जैन माँ कालेश्वर, और आज हम आए हैं दर्शन करने कालवेर महाराज के। तो अभी हम हैं, हाँ बोतल में पानी है, पानी नहीं है, पानी भरना पड़ेगा। तो भाई गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, और बरसात वगैरह हुई नहीं जब से आए तब से। और अगर आप लोगों ने माँ काल के दर्शन नहीं किए हैं, मैंने वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाके देख सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने, पर देख कर लगता है कि भीड़ बहुत है यहाँ पर। तो हमारे दोस्त आगे पीछे हो चुके हैं अभी, तो फिलहाल अभी उनका वेट करते हैं आगे की, और पूजा वगैरह भी लेनी है। बहुत परेशानी में, लाइन इतनी है कि यहाँ कालवेर होगी, पूछो मत कैसे दर्शन आती, बार बार से आए हैं, परेशानी में है। कहीं यूपी के, कहीं बिहार से, कहीं जम्मू से, कहीं लद्दाख से, कोई कुछ ज़्यादा दूर निकल गया, बहुत ही दूर से आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि, लेकिन फिर भी एक बात बताइए, तुम आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से हो? राजस्थान में कोटा, प्रॉपर कोटा से हो? कोटा से। दोस्तों हम दर्शन करके तो आ चुके हैं, और अभी 4 बज चुके हैं, और बहुत परेशान हो चुके हैं। जितना माँ काल के दर्शन करने में परेशान नहीं हुए, उससे ज़्यादा तो वीरनाथ के दर्शन करने में हो चुके हैं। वैसे मंदिर बता देता हूँ, मंदिर इधर है, पीछे वाला ही ठीक, यही मंदिर है। अभी इतनी शक्ति नहीं कि कहीं और जा सके, अब 2-5-10 मिनट यहाँ पर बैठ के अड़े पर चलना है। अभी उसके बाद रेलवे स्टेशन जाना है, क्योंकि अब बस क्षमता से लेवल से बाहर है, क्योंकि रात की 2 बजे से हैं और अभी 4 बज चुके हैं लगभग। तो सुबह के चल रहे रात से, तो अब बहुत हालत ख़राब हो गई। अब कोटा के लिए रवाना होते हैं, रवाना हो चुके हैं, हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो भी आ चुके हैं। उतर जाओ, अरे ओके सर, लेकिन हम भी 4 बज गई है, हम भी ये अंकल जी आए ना, ज़्यादा 5 मिनट बैठे होंगे वहाँ से। सामान वगैरह देख लेना भाई। तो रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, और अभी टाइम हो चुका है 4:30 का, और अब 5 बज गए, तो 5 बज चुकी है, और हमारी ट्रेन है 6:30 या 6:35 पर ट्रेन है, इंटरसिटी वापस वही नंबर की। अब जाने वाले हैं, लास्ट चाहिए उज्जैन की, और सब कंप्लीट हो चुके हैं, 5-10 मिनट और बजे ट्रेन आने का। तो पूरा कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट बार उज्जैन में आया है माँ कालेश्वर नगरी, बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है, आके बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अरे माँ काल की नगरी में आना कौन नहीं चाहेगा यार। चलते हैं सर, चलते हैं, चलते हैं यार, आगे चलो, एपीजी चलो। अब देख लो भैया, आज की बहुत भीड़ है आज, तो आज तो लगता है 5 घंटे खड़े होके जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से परेशान है तो और परेशान होने वाले हैं 5 घंटे के लिए, है ना। नींद भी आ रही है, नींद आएगी, लेकिन सीट मिलेगी तभी तो नींद आएगी। खड़े खड़े सो लेंगे, देख लेना वो आप कितना कैसे सोते हो आप। तो दोस्तों ट्रेन आ चुकी है पीछे वाली, पर जल्दी आ गई क्योंकि इंदौर से स्टार्ट। ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अब इस बार सीटिंग ये वाली मिली है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और 2-3 लड़कों को तो मिल चुकी है सीट वगैरह बिठा दी है। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं कोटा, 2 दिन के बाद आ चुके हैं कोटा। सबसे पहले क्या करने वाले कोटा लाला, 2 दिन की नींद होगी मारे सोएंगे। यात्रीगण क्या कर रहे हैं तुम? तो दोस्तों आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर परिश्रम झेलने के बाद, क्योंकि हमको बैठने की सीटिंग वगैरह नहीं मिली, फिर भी हम आ चुके हैं। तो भाई लोग कर रहे हैं अभी ऑटो वगैरह की बात, तो आप पीछे देख सकते हो कोटा जंक्शन डेकोरेशन है, एक नंबर है, और हमारा पीछे है हमारे देश की आन और शान तिरंगा। तो दोस्तों ऑटो वगैरह कर लिया है, अब जा रहे हैं ऑटो की तरफ, और यहाँ पर आते ही ठंड ठंडी हवा स्टार्ट हो चुकी है, जो दिल को बहुत सुकून दे रही है। तो अब बिना देरी से चलते हैं यार, क्योंकि खाना खाना भी है,
और अपने दोस्तों के वो भी हमारे रूम पे चलेंगे क्योंकि अभी उनका गेट खुलेगा नहीं इस वजह से।